law faculty और विधि भावना फाउंडेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज इस सेमिनार में मंच पर बैठे हुए लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हेड रह चुके लॉ फैकल्टी के डीन रह चुके की नोट स्पीकर आज के प्रोफेसर लायल साहब पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर प्रोफेसर मनुका खन्ना और वीडियो बना रहे प्रोफेसर आर मिल जाएगी ना डी एन एस यादव साहब लाके तो इस प्रोग्राम को कन्वीन कर रहे हैं सामने बैठे हुए लखनऊ विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर है कंट्रोलर एग्जामिनेशन प्रोफेसर ए के शर्मा साहब जियोलॉजी के प्रोफेसर प्रोफेसर भूषण सिंह प्रोफेसर जाफरी साहब प्रोफेसर मुन्ना सिंह साहब तमाम बैठे हुए स्टूडेंट्स और फाउंडेशन के मेंबर विश्व मीडिया के लगातार रहा तो लाकी जो गहराई है उसकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से डील करने का लगातार मौका इसलिए ला में रुचि तो मैं नहीं कह सकता मजबूरी हो गई ला को थोड़ा सा समझना कंपल्सन हुआ एडमिनिस्ट्रेशन होने के नाते कोई शौक नहीं था ला पढ़ने का एक मजबूरी हो गई इसको समझना पहली बात मन से इस बात को निकाल दीजिए कि संख्या कम हो या संख्या ज्यादा हो कोई फर्क क्वालिटी ऑफ सेमिनार पर नहीं पड़ता है क्वालिटी ऑफ सेमिनार और क्वालिटी ऑफ डिस्कशन क्वालिटी ऑफ अचीवमेंट का भीड़ से किसी भी तरह का न्यूमेरिक रिलेशन नहीं होता और लीड करने का काम सोसाइटी को कभी भीड़ नहीं करता अगर सोसाइटी की लीडरशिप भीड़ के हाथ में हो और सोसाइटी की लीडरशिप हाईली इंटेलेक्ट के हाथ में हो तो दोनों लीडरशिप का फर्क आपके सामने जाहिर होगा क्यों भीड़ विचार पे नहीं होती है क्वालिटी ऑफ लीडरशिप इंडिविजुअल अगर कोई होगी इंडेप्थ कोई होगी तो जिम्मेदारी के साथ होगी उसमें कहीं कंपैशन होगा कहीं इनर फीलिंग होगी और कहीं लाइबिलिटी होगी कहीं अकाउंटेबिलिटी होगी कहीं ना कहीं कोई गंभीर जिम्मेदारी लेकिन ये लीडरशिप अगर भीड़ के हाथ में गई डिसीजन भीड़ के हाथ में है तो अकाउंटेबिलिटी जीरो लाइबिलिटी जीरो कंपैशन जीरो एनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी एथिक्स होगी जीरो तो जो परफॉर्मेंस होगा वो डिसीजन और लीडरशिप पे होगा भीड़ की लीडरशिप हमेशा परेशानी का सबब होगी किसी अचीवमेंट का कारण नहीं बनेगी बल्कि ला नहीं मेंटेन करेगी वो ला ब्रेकर होगी और इंडिविजुअल की लीडरशिप जब भी कभी होगी तो वो कहीं ना कहीं आपको ले जाएगी किसी अचीवमेंट तक मुझे नहीं पता ला कहाँ से शुरू हुआ या पढ़ते या नहीं पढ़ते ला की जरूरत ही क्या पड़े और फिर एक ला बना तो क्रिमिनल ला अलग बना प्रोसीजर ला अलग बना इंटरनेशनल ला अलग बना डोमेस्टिक ला अलग बना हिंदू ला अलग बना मुस्लिम ला अलग बना इतने सारे कंपार्टमेंटल ला बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई क्यों कभी आपने ऐसा सोचा कि आदमी तो वही है जिसके लिए ला बनाने का काम हम करना चाहते हैं वो आदमी तो वही है ला किसी पेड़ के लिए नहीं है ला किसी जानवर के लिए नहीं है ला बन रहा है तो ह्यूमन के लिए बन रहा है नेचुरली और कोई ला का बेनिफिशरी नहीं है और ला का बेनिफिशरी अगर कोई बन रहा तो ह्यूमन काइंड है मैन काइंड है जो बेनिफिशरी इसका है और मैन काइंड का जो बिहेवियर है जब आप इंडिविजुअल रहेंगे एक एस्पेक्ट होगा जब आप सोसाइटी के साथ कंपोजिट रिलेशन में आएंगे तो दूसरा बिहेवियर हो सकता है और जब आप पूरे इंटायर ह्यूमन बीइंग के लिए आएंगे मैनकाइंड के लिए आएंगे तो बिहेवियर का पार्ट भी हो सकता है इंडिविजुअल थॉट इंडिविजुअल बिहेवियर
पर्सन टू पर्सन कंपेरिजन डिफरेंट हो सकता है, सोसाइटी टू सोसाइटी, पर्सन टू सोसाइटी डिफरेंट हो सकता है, सोसाइटी टू कम्युनिटी एज ए होल, मैनकाइंड एज ए होल डिफरेंट हो सकता है। इतना सारा कंपार्टमेंटल लाता जो डिवीजन है, उस डिवीजन का क्या कारण है कि इतने डिवीजन के अंदर किए गए? सिंपली अगर मैनकाइंड के लिए कोई ना है तो इस पार्टीशन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि हम ना मानने के लिए तैयार नहीं है। एक कंपार्टमेंट आप देते हैं, हम उसको जंप कर जाते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तो फिर उसको रोकने के लिए आपने दूसरा कंपार्टमेंट दिया, दूसरा फिल्टर आपने दिया, उसको भी हम जंप कर गए तो अगला फिल्टर आपने दिया, फिर अगला फिल्टर आपने दिया। अगर ये जंपिंग ना होगी तो ला इतने सारे ला की जरूरत ना, यानी ला हम तोड़ रहे इसलिए ला ज्यादा है, ये सोचने का सवाल है आपके लिए। ला हम अपनी सुविधा के लिए बना रहे इसलिए ला ज्यादा है, या ला को हम कंटिन्यूअस ब्रेक करने के लिए लगे हुए हैं इसलिए ला ज्यादा है, ये प्रश्न है आपके लिए, ये चिंतन का विषय आपके लिए होगा। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी ला में क्यों? जब आप जज बनते सेम टाइम पर, आप में से बनेंगे बहुत सारे लोग, प्रोफेसर बनते हैं तो हर एक का अलग अलग कंपार्टमेंटल प्रोफेसर है, और जब जज बन गए एप्लीकेशन पर आ गए तो अलग अलग जज नहीं, वही जज सबका फैसला दे देता है, यही है ना, वही जज सबका फैसला दे देता है। तो यानी एप्लीकेशन जहां आई, जहां थ्योरी आई वहां कंपार्टमेंट रहा, और जहां एप्लीकेशन ऑफ लॉ आया, हम ये नहीं कहते जज गलत कर रहे, लेकिन जहां एप्लीकेशन ऑफ लॉ आया वहां थम रूल नहीं हुआ, यानी लॉ का जो थम रूल था वो बिल्कुल डिफरेंट हुआ। ये प्रश्न फिर कहीं ना कहीं आपको चिंतित करना चाहिए, आपको पूछना चाहिए। एक और बात, दो चीजें मिलकर के चीजों को और गंभीर बनाती है। ये आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। एज ए इंडिविजुअल एक करेक्टर एथिक्स होता है और एक पर्सनालिटी एथिक्स होता है। करेक्टर एथिक्स सेल्फ कंटेंट है, आप ईमानदार हो सकते हैं, आप दूसरों से कोई प्रेम का व्यवहार कर सकते हैं, आप एक अलग आचरण कर सकते हैं, आप गंभीरता के साथ अपने आचरण को कर सकते हैं, आप ड्यूटीफुल हो सकते हैं, ये तमाम सारे इंडिविजुअल एथिक्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते दोनों। और जो पर्सनालिटी एथिक्स है वो आपके अचीवमेंट से जुड़ा, आप कितने बड़े अचीवर हैं, आप में पहले वाले कैरेक्टर एथिक्स बहुत अच्छे हो, सब अपग्रेड के हो, लेकिन आप अचीवर हो ऐसा कहा नहीं जा सकता। और आपकी वो सारी एथिक्स बहुत पुअर लेवल की हो फिर भी आप अचीवर हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल सकते, थोक भी मिल सकते। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो अचीवमेंट मिला पर्सनालिटी एथिक्स से, क्या विचार में पर्सनालिटी हो सकती है, एलोकेशन आपका बेहतर हो सकता है, आपके रिलेशनशिप बेहतर हो सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बेहतर हो सकती है, लोग आपसे अफेक्शनेट हो सकते हैं और आपकी परफॉर्मेंस बढ़ सकती है। लेकिन कब तक पर्सनालिटी एथिक्स से परफॉर्मेंस को बढ़ाते रहेंगे? अगर इसमें वो पावर या एनर्जी, वो चार्जिंग बैटरी आपकी करेक्टर एथिक्स से नहीं होगी तो इसकी जो लाइफ है थोड़ी, एक बार ड्यू बोल करके कोई काम कर लेंगे, एक बार पर्सनालिटी का ऑरा देंगे, दो बार देंगे, तीन बार देंगे, मल्टीपल टाइम पे पर्सनालिटी का ऑरा नहीं चलेगा। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है करेक्टर
एथिक्स में और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है पर्सनैलिटी थिंग्स, ये रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। और मेरे ख्याल में ये कॉन्फ्लिक्ट जो है यही ला तोड़ने के लिए प्रोवोक करता है, यही ला तोड़वाता है। और ला तोड़ने के बाद फिर एक नए ला का और इंतजाम होता है। मुझे 42 इयर्स के ज्यादा लगभग 43 इयर्स हो गया है एजुकेशन, बहुत सुनता है और आप भी सुनते होंगे अपनी छोटी सुबह तमाम सारे वाइस चांसलर को कहते सुना, तमाम सारे शिक्षा मंत्री को कहते सुना कि ये परीक्षा गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में हमारा ये धर्म है, हमारा कर्तव्य है। और इतनी बार कहने के बाद भी धर्म कर्तव्य नहीं पूरा होगा तो कब पूरा होगा, उसका समय कब आएगा पूरा होने का? क्या शिक्षा मंत्री का रोल हमारा कर्तव्य ही बताने तक है? क्या एक वाइस चांसलर का रोल क्या हमें करना चाहिए यही बताने का रोल? बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जिसका जवाब नहीं है। आप लाके स्टूडेंट हैं, किस सेमेस्टर में होंगे मोस्टली? फोर्थ। तो ट्वेल्थ के बाद 2 साल की पढ़ाई आपने पढ़ ली। एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है सोशल साइंसेज में और ह्यूमैनिटीज में। ये पहला सवाल टेंथ से स्टार्ट होता है और ग्रेजुएशन लास्ट तक आता है और पीजी तक आता चला जाता है कि ये सब्जेक्ट साइंस है या ये सब्जेक्ट आर्ट है। हमेशा सवाल है कि माय सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स, द साइंस इकोनॉमिक्स इज द आर्ट, सोशियोलॉजी इज द साइंस, सोशियोलॉजी इज द आर्ट, पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस, पॉलिटिकल साइंस इज द आर्ट। कभी सिद्ध नहीं हो पाया कि आर्ट है कभी सोशल साइंस। साइंस क्या होता है? साइंस होता तो साइंस में चला जाता, आर्ट होता तो ड्राइंग पेंटिंग करता। सवाल कुछ और है लेकिन पूछा कुछ और क्या था? सवाल कुछ और है और पूछा कुछ और क्या था? क्यों जहां साइंस का कॉन्सेप्ट आता है उस साइंस के कॉन्सेप्ट में व्हाट इज का कॉन्सेप्ट, उसके बेसिक इंग्रेडिएंट का कॉन्सेप्ट। मैंने वो नॉर्मेटिव साइंस से या पॉजिटिव साइंस है, उसके इंग्रेडिएंट का सवाल आता है। और जो पॉजिटिव है इथिक्स का सवाल आता है, व्हाट टू इथिक्स का सवाल आता है। इथिक्स जहां भी होगा अल्टीमेट होगा, साइंस का भी इथिक्स की बात नहीं करता। इथिक्स की बात तो आर्ट्स करेगा, जो आर्ट्स है वो आर्ट्स करेगा, जहां आत्मा होगी वो आत्मा करेगी। इथिक्स की बात तो आत्मा की बात है, साइंस आत्मा की बात नहीं करता, वो आत्मा की। और जब इथिक्स है व्हाट टू बी अचीव, व्हाट टू बी सॉट टू बी, तो फिर एक प्रोसीजर कोई बात आए कि वो कहां तक उस डेस्टिनेशन तक हुआ पहुंचे, उस प्रोसीजर के लिए फिर ना है जो आप पढ़ते पढ़ाते हैं खाली प्रोसीजर और कॉन्फ्लिक्ट प्रोसीजर और एप्लीकेशन। जो कॉन्फ्लिक्ट है वो प्रोसीजर और एप्लीकेशन पर है। मैं समझता हूँ आज के दिन इतनी चर्चा जो आपके साथ में हुई है, मैं समझता हूँ पर्याप्त है। और आपका सेमिनार, आपका ये उत्साह जो सेमिनार लर्निंग का होता है, और एक सेमिनार से लर्निंग आ जाए ऐसा मुश्किल है, कंटिन्यूअस होते रहना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है सेमिनार के लिए आप मंच बनाए, कोई जरूरी नहीं कोई चीफ गेस्ट बुलाए, कोई जरूरी नहीं है किसी बात को आप करें। हिंदू धर्म के सबसे बड़े अनुयायी शंकराचार्य को जब हम देखते हैं पढ़ते हैं तो पूजा करने के लिए किसी मंदिर की जरूरत की बात नहीं करते सर। पूजा करने के लिए धूप बत्ती अगरबत्ती हवन कुंड की बात नहीं करते शंकराचार्य। पूजा करने के लिए किसी कंठी माले की बात शंकराचार्य,
पूजा करने के लिए फूल की बात नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, इन सब को इनकार करते। जो श्रद्धा सुमन भाव सुमन है, समर्पण है, वो पर्याप्त है पूजा के लिए, प्रेम के लिए। तो सेमिनार के लिए एक विषय होना चाहिए और चार छह लोग, दो लोग, तीन लोग भी बैठना चाहिए। वो नहीं है तो आप ही अकेले जैसे मोबाइल में गेम खेलते हैं कि आप ही 10 पार्टनर का हिसाब है, 10 पार्टनर आप हैं और पूरा गेम खेल लेते हैं। कंप्यूटर का यही तो गेम, एक ही आदमी 4 पार्टनर का गेम खेलता है, आदमी वही और वो एंजॉय करता है। तो अगर कोई दूसरा साथी आपके साथ नहीं है तभी सेमिनार हो सकता है, 4 आदमी की जरूरत नहीं, आप अकेले ही सभी पार्टनर की पूछता करें। मेरे ख्याल में लर्निंग का सबसे बेहतरीन तरीका अगर कोई हो सकता है तो आप ही चारों पार्टनर की भूमिका अदा करें, आप ही जज भी हो जाएं और आप ही दोनों पार्टी के वकील हो जाएं। तो जो लर्निंग आपकी स्टार्ट होगी वो अपने आप में मार्वलस लर्निंग स्टार्ट होगी। मैं बेईमानी मत कीजिएगा, ईमानदारी के साथ जर्नी को ट्रेवल करना शुरू कर देंगे उस दिन भीड़ से भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि भीड़ में फिर आपको वो फैक्ट नहीं मिलेगा जो आप तलाशना चाहते हो, भीड़ से आप भागना शुरू करेंगे, फिर आप सिलेक्टिव होंगे। मैं समझता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सुंदर वंडरफुल संग्रह है उसके उद्घाटन में मैं प्रश्न करता हूँ।